पहले मैं पूछता हूँ, अब तक आपने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कितने गांव को कवर किया? मुझे लगता है कि 350 से ज़्यादा गांव हम कवर कर चुके हैं, और इन सभी प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा गांव कवर करने वाला कैंडिडेट होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है, उसी हिसाब से जनता मुझे आशी। क्या समर्थन मिल रहा गांव में जा रहे हैं? पूर्ण समर्थन, लोग ढोल नगाड़ों से, ट्रैक्टर के काफिलों से, मोटरसाइकिल के काफिलों से, नौजवान उत्साहित होकर के ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं, और 12 मई को अपना कीमती वोट जब JJP पर आम आदमी के उस पर डालेंगे, फिर ये बदलाव की जो नगर है हरियाणा में शुरू हो जाएगी, बदलाव की आंधी शुरू हो जाएगी, और अक्टूबर के महीने में संपूर्ण क्रांति युवाओं की, बुजुर्गों की, महिलाओं की हरियाणा में आएगी, जिससे हरियाणा सिर्फ प्रोग्रेस के नाम पर आगे बढ़ेगा, जाति पाति धर्म मजहब पीछे छोड़कर प्रोग्रेस की सरकार आएगी। केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर के भाजपा चल रही है वो भारत और पाकिस्तान के आपस की कोई मिलीभगत करके जो है ना, भारत पाकिस्तान नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी की और इमरान खान की सेटिंग है। हमारे 40 मरते हैं वहाँ, 400 हम मार के आते हैं, उसके बाद इमरान खान ये कहे कि भाई प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान का मोदी बनना चाहिए, तो ये सेटिंग नहीं है तो क्या है, खुद सोचने की बात। अच्छा, जैसे एक सवाल है, जैसे हुड्डा कह रहा कि इनेलो पार्टी जो है और JJP जो है दोनों ही देवीलाल के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो जनता क्या सोचे, किसको वोट दे, आपको दे या उनको दे? चौधरी देवीलाल के नाम पर तो सारा देश ही वोट मांग रहा है, भूपेंद्र हुड्डा जिस पेंशन को बढ़ाने की बात करते हैं वो चौधरी देवीलाल के देन है, जो कर्जा माफी करने की बात करते हैं वो चौधरी देवीलाल के देन है। भूपेंद्र हुड्डा ने तो सारी पॉलिसी वही इंप्लीमेंट करी जो चौधरी देवीलाल जी ने कभी शुरू करी थी, वो तो खुद चौधरी देवीलाल के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हरियाणा में किसान कमेरे की अगर किसी ने बात करनी है तो वो चौधरी देवीलाल के नाम पे वोट मांगना उसके लिए मजबूरी भी है और उसके लिए जरूरत भी। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया सवाल जो मैं देख रहा हूँ आपको कवर कर रहे हैं हम लगातार, जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो तो सीट बेल्ट लगाते हो, ये ऑब्जर्व किया है जी। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जो है जो यातायात के नियमों के लिए एक संदेश भी दें, क्योंकि आप प्रत्याशी भी हैं, यूथ भी हैं, तो वो जो है बताइए। और कोई नहीं लगाता तो, लेकिन आपको हमने देखा है इसलिए ये सवाल। सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पल भर की गलती, सेकेंड की गलती और जीवन का नुकसान, जब जीवन ही रहेगा तो फिर बाकी चीज़ रहनी नहीं, ठीक है कि नहीं? इसलिए सबसे पहली सुरक्षा, चौधरी देवीलाल कहा करते थे भाई गाड़ी आराम आराम से चलाओ, धूल ना उठाओ, धूल उठेगी तो लोग भी परेशान होंगे, गाड़ी आराम से चलेगी तो लोग आपको देख भी सकेंगे और आपकी सुरक्षा भी आप में रहेगी। ये देखने में आ रहा है कि जो यूथ है अभी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लेडी गांव के अंदर खड़े हुए हैं, युवा शक्ति आपको बहुत ज़्यादा जो है एक तवज्जो दे रही है। दुष्यंत चौटाला युवा क्रांतिकारी नेता है, उनके विचार 36 बिरादरी के युवाओं को प्रभावित करते हैं, युवाओं के लिए उन्होंने अपने दम पर जो काम किए हैं बिना सरकार में होते हुए वो सराहनीय है, और कहीं ना कहीं इस प्रदेश का युवा उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। जींद के अंदर आप एक युवा स्टार के रूप में उभर के आए थे, एकदम नया चेहरा जो है आया, क्योंकि आपके सामने वहाँ पर हॉट सीट बनी थी, बड़े बड़े दिग्गज आपके सामने थे, यहाँ पर भी आपके सामने वैसी ही स्थिति है, तो यहाँ किस प्रकार से जो है आप जो ना महसूस कर रहे हैं? हाँ, ये क्या करते थे भाई, सुरजेवाला का कोई मुकाबला थोड़ी है, सुरजेवाला तो चीफ मिनिस्टर बनेगा ये चुनाव जीतते, खट्टर की सरकार थी और हमारी नई पार्टी थी, सारा नया तामझाम था, नया सिस्टम था, उसके बावजूद जो हमारे वर्करों की मेहनत थी और लोगों का प्यार था उसकी बदौलत हमें 38,000 रिकॉर्ड बन गया। यह मुकाबला आप किससे मांग रहे हैं? कह रहे हैं भाई हुड्डा की बहुत बड़ी जो है ना, उनका बहुत बड़ा नाम है, नाम बड़ा होने से नहीं, काम बड़ा होने से और लोगों का प्यार बड़ा होने से आप चुनाव जीतते हो। चुनाव में चाहे नाम कितना ही बड़ा हो मगर वो एक प्रत्याशी है, हम भी एक प्रत्याशी हैं। ये 12 तारीख को फैसला होगा कि जनता किस। धन्यवाद।